तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज हम जुड़ते हैं। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख रामसर साइट। रामसर साइट की बात कर लें तो ये आर्द्रभूमि क्षेत्र जो भारत में जितने भी ये हैं जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। टोटल संख्या कितनी हो गई है, कौन से कहाँ कहाँ है स्थित हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, बात कर लेते हैं। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ करंट पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बिहार SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो बिहार SSC की मेंस होने वाली है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और बिहार में अभी बिहार पुलिस और बिहार SI के होने वाले एग्ज़ाम है, CGL के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन। बात कर लें ये है कब 22 तक के लेटेस्ट हैं जितने भी रामसर साइट्स जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे कि जो कितने रामसर हैं, टोटल रामसर साइट कितने हैं। तो अभी तक 75 टोटल की बात कर लें तो 75 रामसर साइट अभी हैं। और लेटेस्ट बात करें तो 75 यानी 75वां नंबर का रामसर साइट कौन सा बन गया है, तो यह है सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पूछता है। तो अब इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो आपको क्षेत्र दे दिया जाएगा और स्थान पूछ लिया जाएगा, यानी कि पूछ लिया जाएगा कि आपको सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये या संबंध कहाँ से, किस क्षेत्र से है, तो जम्मू कश्मीर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बात करते हैं, इस तरह से बात कर लें, हाईगम आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात कर लें तो ये भी जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर कितने हो गए, सालबुर और हाईगम दोनों जम्मू कश्मीर में। आगे बात कर लें ठाणे, आगे हैं ठाणे क्रीक, ठाणे आप लोग को जगह पता होगा कि ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र का ठाणे क्रीक है, ये भी आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। आगे है काजीकुलम पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये भी आर्द्र भूमि में शामिल है। वही बात कर ले बुड्डुबुर पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। एक और फैक्ट की बात कर लें, सबसे ज़्यादा पहले यूपी में कितने थे, 12 यानी 12 आर्द्र भूमि क्षेत्र थे पहले, जब 68 थी, अभी हाल ही में कुछ जुड़ी है और टोटल संख्या 75 हो गई है। तो आप पूछेंगे भारत में टोटल रामसर साइट 75 हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा 14 तमिलनाडु में है, तो ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में कौन कौन से होंगे, तो कुजीकुलम बडुवूर सुचिंद्रम थेरूर चित्रा गुड़ी पक्षी अभयारण्य, तो ये 4 तमिलनाडु में हो गए। आगे है यशवंत सागर का बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं। अभी बिहार SSC में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि असुम्पा झील का संबंध किस राज्य से है, तो असुम्पा झील ओडिशा में है। हीराकुंड जलाशय की बात कर लें, हीराकुंड बांध भी है तो ये ओडिशा में है, ये भी संरक्षण आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। तम्पारा झील की बात कर लें, ये भी ओडिशा में, तो ओडिशा में कौन कौन से होंगे, असुम्पा हीराकुंड और तम्पारा। आगे है कर्नाटक की बात करें, रंगना थिट्टू ये कर्नाटक में है। गोवा की बात कर लें, नंदा लेक गोवा में है। सतकोसिया ओडिशा का एक और सतकोसिया गार्ड से हैं। आगे हैं तमिलनाडु का पहले हम लोग 4 देख लिए हैं और टोटल 2 1 2 3 4 5 6 और 4 पहले देख लिए, 6 अभी देख रहे हैं। बेम्बानूर आर्द्र भूमि क्षेत्र तमिलनाडु में है। बेलेड पक्षी अभयारण्य
तमिलनाडु में बंदा थाल थांगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में उदय मार्तंड पुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ये काफ़ी चर्चित है तो इसे आप टिक लगा लीजिएगा। उदय मार्तंड पुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को पता है तमिलनाडु में है, तो गल्फ ऑफ मन्नार से आए तो बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। वहीं कुथुन कुल्लम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जितने भी हैं काफ़ी इंपोर्टेंट है। बेम्बानूर बेलेड बंदा थांगल उदय मार्तंड गल्फ ऑफ मन्नार कुथुकुल्लम, ये सारे तमिलनाडु के हैं। आगे हैं सिरपुर तालाब, तो मध्य प्रदेश का एक सिरपुर तालाब है जो आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल है। ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। पाला आर्द्रभूमि की बात कर लें तो सियाहा जिला जो कहाँ है? मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि। सांक सागर झील 53वां है और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। वहीं बात कर लें 52वां बात कर लें तो पिचवरम ये पिचवरम तमिलनाडु में ही है। वहीं तमिलनाडु में एक और है पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, तो देख लीजिए 52वां और 53वां आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पहले 53 थे तो 53 वाला था सांक सागर झील जो शिवपुरी मध्य प्रदेश में थे। टोटल अभी 75 हो चुके हैं। आगे हैं कारगिल कारी किल्ली पक्षी अभयारण्य, कुचीपुरम तमिलनाडु में है कारी किल्ली। वहीं बात करें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य की संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश यूपी में बखीरा। वहीं जामनगर गुजरात की बात करें तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य का संबंध किससे है? गुजरात से। हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र, हैदरपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। भिंडवांस वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा, भिंडवांस का संबंध पूछ लिया जाता है कि कहाँ है, तो झज्जर हरियाणा में। आगे है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तान एकमात्र हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर पूछे तो गुरुग्राम हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य की बात करें महसाना गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य महसाना गुजरात। बादवान आर्द्रभूमि की बात करें बडेरा गुजरात में। त्योकड़ झील लद्दाख, काफ़ी इंपोर्टेंट है तसोकड़ झील की बात कर लें तो लद्दाख। सूर सरोवर या किथम झील की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में, सूर सरोवर या किथम झील। लोनार झील की बात कर लें तो लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और बेगूसराय बिहार में एक कांवड़ झील है जो इसमें स्थित है, बिहार वालों के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। कांवड़ताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय में, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कांवड़ताल झील बेगूसराय बिहार में। तो ये इम्पोर्टेंट थे, टोटल 75 तो नहीं लेकिन ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे ये सारे नाम आपको देखने को मिल गया। अभी पूछेगा आपसे रामसर साइट में अभी टोटल संख्या आपसे पूछेगा कि जो कितने होंगे, तो टोटल अभी 75 होंगे। और सबसे ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है कि कौन से किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो तमिलनाडु राज्य में 14 जो है ये क्षेत्र हैं वन्यजीव जितने भी है जो शामिल हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र में, तो 14 रामसर साइट हैं तमिलनाडु में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे, इनके संबंध जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनके जगह पूछ लिया जाता है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे इस पर अपडेट होते रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।